हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 11 मार्च को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर विधि विधान से माँ गौरी की पूजा करें और भोलेनाथ की पूजा करें। माँ गौरी और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर जल और बिलपत्र अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा मंत्रों का जाप भी किया जाता है। और इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन अगर व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार शिव की आराधना और पूजा करे तो उसकी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि पर अपनी राशि के अनुसार कैसे करें शिव उपासना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। अगर आपकी राशि मेष है तो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। आपके लिए लाल रंग शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही पुण्य फलदायी रहेगा। आप जल में सुगंधित इत्र मिलाकर अभिषेक करें। यदि पूजा के समय नागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें तो भगवान शिव शंकर मन की सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी करेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ तो भगवान शिव का वाहन भी है। आपके राशि स्वामी जो हैं वो शुक्र माने जाते हैं। सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ माना जाता है। वृषभ जातकों को भगवान शिव की पूजा चमेली के फूलों से करनी चाहिए। साथ ही अपने कष्टों के निवारण और अपेक्षित लाभ के लिए शिव रुद्राष्टक का पाठ जरूर करें। आपको निर्मल जल से भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करना चाहिए। वर्तमान समय में आपकी राशि में अंगारक दोष बन रहा है। जलाभिषेक से अंगारक दोष भी शांत होंगे। आइए अब जानते हैं मिथुन राशि के जातकों को क्या करना है, कैसे पूजा करनी है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और महाशिवरात्रि को सर्वप्रथम आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कीजिएगा। इसके बाद भगवान शिव की पूजा बिलपत्र और बेर और बिलपत्र जरूर अर्पित करें और जल में गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करें। आपकी राशि शनि की ढैया से प्रभावित है, इसलिए आपको शमी पत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, जिन्हें भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। कर्क राशि के जातकों को शिवलिंग की पूजा सफ़ेद फूलों से करनी चाहिए। आप गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। माना जाता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से भक्त को भौतिक सुख तो मिलते ही हैं, साथ ही निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। प्रातःकाल भगवान सूर्य को लाल पुष्प डालकर जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा लाल रंग के पुष्प और लाल गुलाब अर्पित करके करें। आपको शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही शिवालय में श्री शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए।
ये आपके लिए अति शुभ होगा, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आइए अब जानते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणपति को दुर्वा अर्पित करें, इसके बाद भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र, धतूरा, भांग ये सामग्री अर्पित करें। ये सभी सामग्री आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। आप गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें, इसके साथ ही शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। आपको मिश्री युक्त दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। वर्तमान समय में आपकी राशि शनि की ढैया से प्रभावित है, इसलिए आपको भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप करना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार ये शुभ परिणाम देगा। आपकी राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव है, इसलिए आपको शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। दोस्तों, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। भोले भंडारी की पूजा आपको गुलाब के फूलों और बिलपत्र से करनी चाहिए। आपको चीनी मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है कि दूध में चीनी मिलाकर शिवलिंग को अर्पित की जाए तो हमारा मस्तिष्क तेज होता है और मनवांछित फल मिलते हैं। साथ ही रुद्राष्टक का पाठ करने से राशि के अनुसार सौभाग्यशाली परिणाम मिलेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। बृहस्पति को धनु राशि का स्वामी माना जाता है। इस राशि के लिए पीला रंग शुभ होता है। धनु राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा पीले रंग के फूलों से करनी चाहिए। आपको चमेली के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आपके लिए शिवाष्टक का पाठ कष्टों का नाश करने वाला माना जाएगा, यानी कि आपको शिवाष्टक का पाठ जरूर करना चाहिए। आपकी राशि पर साढ़े साती का प्रभाव है, इसलिए महादेव की पूजा में शिवलिंग पर शमी पत्र अवश्य चढ़ाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के राशि जो इनकी स्वामी हैं वो शनि देव हैं। धतूरा, भांग, अष्टगंध इनसे भगवान शिव की पूजा आपके लिए जीवन में शांति और समृद्धि लाने वाली रहती है। आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का यानी कि शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। आपकी राशि साढ़े साती से प्रभावित है, इसलिए आपको शमी पत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही आपको पार्वती नाथाय नमः इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि ही माने जाते हैं। आपको शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तिष्क शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। कुंभ राशि के जातकों को दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही धन लाभ पाने के लिए आपको शिवाष्टक का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं। मीन जातकों को पीले रंग के पुष्पों से, पीले रंग के फूलों से भगवान शिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए। यानी कि पीले रंग के पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा और आपको पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। साथ ही घर में सुख समृद्धि और धन धान्य में वृद्धि के लिए पंचाक्षरी मंत्र यानी कि नमः शिवाय इसकी आप चंदन की माला से 108 बार जाप कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।
ताकि जब इस जानकारी से औरों को लाभ होगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय के साथ अपना प्रश्न या सुझाव जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।